इतिहास में न जाने ऐसे कितने राज दफन हैं जो हमें जिंदगी जीने के नए नए उपाय बताते हैं। महाभारत, रामायण और भी न जाने ऐसे कितने ग्रंथ हैं जिन्हें पढ़कर आज भी वैज्ञानिक रिसर्च करते हैं और इंसान अपनी जिंदगी को आसान बनाने के रास्ते ढूंढ लेता है। आज मैं आपको रामायण के कुछ ऐसे ही राज के बारे में बताऊंगा जो आज के समय में भी सच है और जिन्हें जानकर हम अपनी जिंदगी को उसी डायरेक्शन में चला सकते हैं जिसमें हम चलाना चाहते हैं। तो अगर आप भी जानना चाहते हो इन सभी बातों को तो बस जुड़े रहो इस वीडियो में आखिरी तक। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले यह सादा जीवन और आपका व्यवहार ही आपको ताकत देता है। सिर्फ महाज्ञानी और सबसे ज्यादा ताकतवर होने से कुछ नहीं होता। दोस्तों श्री राम कभी भी अपने आप को महाज्ञानी नहीं बताते थे और ना ही वो अपने बल को लोगों के सामने दिखाते थे कि उनमें कितनी शक्ति है। वो तो बस अपने माँ बाप की आज्ञा का पालन करते हुए वनवास चले गए और यहाँ उनके साथ अनहोनी होनी शुरू हो गई। श्री राम के शांत स्वभाव और व्यवहार के कारण ही उनके साथ इतनी सेना जुड़ी जिन्होंने रावण से युद्ध लड़ने में उनका साथ दिया। तो यार मुझे लगता है कि सबसे पहली चीज हमारी पर्सनैलिटी में छुपी होती है। अगर हम सभी पर गुस्सा करते रहे, हमेशा ही चिढ़ा हुआ जवाब सबको देने लगे तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी हमें पसंद करेगा या हमारे बिहेव की वजह से हमारे साथ रहना पसंद करेगा। इसके बाद है श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी। ये तीनों ही महलों में रहने वाले थे। तीनों ही बचपन से बड़े होने तक सिर्फ महलों में रहे। इसके बाद भी जब उन्हें वनवास के लिए निकलना पड़ा तो सिर्फ एक आम इंसान के कपड़े पहनकर वहां से निकले और वनों में रहने लगे। तो जाहिर सी बात है दोस्तों, वक्त चाहे जैसा भी हो, अगर आप उसमें रहना सीख लेते हैं, चाहे कितनी भी दिक्कतें जिंदगी में हो या कैसा भी समय आपका चल रहा हो, अगर आपको उसमें रहना आ जाए तो आपकी खुशियों को कोई भी कभी नहीं मार सकता। हमें हर एक सिचुएशन के लिए खुद को हमेशा तैयार रखना चाहिए। इसके बाद रामायण में श्री राम को कभी भी बहुत ज्यादा उदास व्यक्ति नहीं दिखाया गया। जबकि वो कभी बहुत ज्यादा दुख में होते भी थे तो भी उस दिक्कत से बाहर आने के रास्ते को खोजने की कोशिश करते थे, जैसे सीता जी का अपहरण होने पर या लक्ष्मण जी के मूर्छित होने पर। मगर वो कभी भी इस चीज को बढ़ावा नहीं देते थे कि बस उदास होकर एक जगह बैठा जाए, क्योंकि उदासी सबसे बुरी चीज है। कभी भी अपने दिमाग को पूरी तरह उदासी के हाथों में नहीं देना चाहिए। उदासी किसी भी इंसान को ऐसे मार देती है जैसे किसी बच्चे को कोई गुस्से वाला सांप। इसीलिए जब भी आप उदास हो तो उस दिक्कत से निपटने के रास्ते आपको खोजने चाहिए। इसके बाद एक बहुत बड़ी बात है, रामायण से हमें यह भी सीखना चाहिए कि कोई भी चीज छोटी नहीं होती। रावण जब ब्रह्मा जी से वरदान मांग रहा था तो उसने इंसानों को छोड़कर बाकी सबका वरदान मांगा कि उसे कोई ना मार सके, क्योंकि उसे लगता था कि जब उसे कोई मार ही नहीं सकता तो इंसान क्या चीज है। और दूसरी तरफ श्री राम किसी को भी ऊपर या नीचे नहीं समझते थे, वो सबको एक ही नजर से देखते। वो राजा होने के बाद भी किसी को भी प्यार देने में, इज्जत देने में भेदभाव नहीं करते थे। यही सबसे बड़ा फर्क होता है दोस्तों समझ का। एक राजा सिर्फ नाम से राजा नहीं होता, हमारे गुण होते हैं जो हमें रियल में राजा बनाते हैं। इसलिए कभी भी किसी चीज में भेदभाव करने से पहले 10 बार सोचा करो ताकि आपकी सोच आपको सही दिशा में ले जाने में मदद करे। और यार रामायण में एक बहुत ही पावरफुल पॉइंट है कि सुधरना और बिगड़ना सिर्फ हमारे हाथों में है। ये सब कुछ सिर्फ हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम किस माहौल में रहना चाहते हैं। जैसे विभीषण रावण के राज में रहकर भी कभी नहीं बिगड़ा और केकई राम के महल में रहकर भी अच्छा नहीं सोच सकी। मतलब साफ है कि हम जैसा चाहें खुद को उसी माहौल में ढाल सकते हैं, बस हमें हमारी बुद्धि पर पूरा कंट्रोल करना आना चाहिए। और यार रावण जिसे हम बहुत ही बुरा समझते हैं, असल में उसे बहुत ज्यादा ज्ञान था। वो हमेशा ही ज्यादातर सिर्फ खोज करता रहता था, यानी कि खुद को बड़े बड़े कामों में बिजी रखता था, जैसे स्वर्ग तक जाने के लिए सीढ़ियां बनाना, और स्वर्ग हमेशा खुशबू से महके उसके लिए भी वो काम करता रहता था। यहां तक कि यह भी माना जाता है कि चेस यानी शतरंज की खोज खुद रावण और उसकी पत्नी मंदोदरी ने की थी। तो यार ऐसी सिचुएशन में हमें इससे ये तो जरूर सीखना चाहिए कि ज्ञान की कोई सीमा नहीं है। हम जितना चाहे खुद को नई नई चीजों से रूबरू करवा सकते हैं। हमें हमारा ज्ञान बढ़ाए रखना चाहिए। जो आपको मालूम है अगर उसी में उलझे रहे तो कभी भी आपको नई चीजें पता नहीं लग पाएगी। इसीलिए खुद को अपने कामों में बिजी रखो ताकि आपके पास पास्ट को सोचने का या उदास रहने का वक्त ना हो। और हमेशा ध्यान रखो कि बलवान पुरुष कभी भी क्रोधित नहीं होते। अगर आप में पावर है और आप वाकई कुछ कर सकते हो तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपको गुस्सा बहुत ही कम आएगा, क्योंकि गुस्सा हमारी बुद्धि को पूरी तरह से खत्म कर देता है, एक तरह से जला देता है। और जली हुई चीज सिर्फ राख में बदलती है, फिर वो किसी और काम में नहीं आ सकती। इसलिए खुद को ठंडा रखकर जितने काम करोगे उसमें कामयाबी मिलनी फिक्स हो जाएगी और आपकी बुद्धि पर तनाव भी बहुत ही कम पड़ेगा।
दोस्तों ये थी कुछ बातें जो हमें रामायण से सीखनी चाहिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो और कमेंट करके मुझे जरूर बताओ, ताकि मैं ऐसी ही और भी बातें आपके लिए लाता रहूं।